हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हमारे साथ गेट इलेक्ट्रिकल 2018 के स्टूडेंट बैठे हुए, जो लोग इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किए। तो गेट एकेडमी के स्टूडेंट लोग इस साल, वैसे भी आप देख ही होंगे यूट्यूब में, इतना अच्छा परफॉर्म किए ही है। तो सबसे हम बात करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है। तो मैं सबको पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि हम लोग के साथ कौन कौन लोग हैं, फिर उसके बाद मैं इनसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बात करूँगा, क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में बात करूँगा, कितना इन्जॉय किए, ठीक है। तो आप आराम से सुनिएगा इनकी बातें, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो मैं वन बाई वन इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो फर्स्ट पलाश सिंह, आपका रैंक है AIR 99 है। सेकेंड शिखा दास, आपका रैंक है 314। थर्ड है नीतीश कुमार, आपका रैंक है 415। फोर्थ मनीष ओतवानी, आपका रैंक है 197। और फिफ्थ है दिनेश, आपका रैंक है 279। ठीक है, तो आप लोग इस बार 2018 का पेपर दिए, आपकी प्रिपरेशन एक अच्छा लेवल रहा होगा, इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो पलाश से स्टार्ट करते कि आपको क्या लगता है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन, जो आपकी स्ट्रेटजी थी, वो बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट होगी, जो आप इतना अच्छा AIR 99 रैंक लाए? क्योंकि सिंगल डिजिट रैंक लाना किसी का भी ड्रीम होता है, इतना आसान नहीं लगता है। तो आपको क्या लगता है कि आप बाकी लोगों से कैसे अपनी प्रिपरेशन को डिफरेंट रखे होंगे? सबसे पहले ये कहना चाहूँगा सर कि मैंने फोर्थ सेम से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी गेट की। सर मैंने जनवरी में हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, तो मैं स्टार्टिंग में कैजुअल ही आता था सर। फिर मार्च में गेट का रिज़ल्ट आया, जिसमें फिर सर लोग से हम लोग की इंट्रैक्शन हुआ। उसके बाद से सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगा, मेरा गेट के प्रति जो तो था वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। अच्छा, इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा गेट के रिस्पेक्ट में। उसके बाद से सर मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की। मैं थ्री इयर्स की प्रिपरेशन थी लगभग मेरी, तो मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की अपनी। मैंने हर क्लास अटेंड की और मैं थोरली हर क्लास इंजॉय करता था। कोई भी क्लास हो, अच्छे से प्रिपेयर करता था। जो भी मेरे क्लास में पढ़ाया जाता था उसको जाके उसी दिन रिवाइज करना, उस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं मेरे को, चाहे बुकलेट्स में हो या फिर एक दो टेस्ट बुक्स हो, उससे मैं क्वेश्चंस बनाता था। तो मैं डेली ये करता था सर, तो स्टार्टिंग से ही लगभग अपने प्रिपरेशन में, तो डेली मैं यही रूटीन, यही वाला चीज रूटीन फॉलो करते, यही रूटीन। अभी आप बोले कि मेरी थ्री इयर्स की प्रिपरेशन रही, तो थ्री इयर्स की प्रिपरेशन मतलब आप फोर्थ सेमेस्टर की फिफ्थ सेमेस्टर में ज्वाइन किए थे? फोर्थ सेमेस्टर ज्वाइन किया था, ठीक है। तो वो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट था सर सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कितना रैंक आया था? फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरा 4000 से बियॉन्ड था रैंक था। अच्छा, 4000 से बियॉन्ड रैंक था सर, ठीक है। तो इस बार जब आप 4000 रैंक आया, तो फिर आप अपने आपको मोटिवेट कैसे किए कि इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही है? सर मेरा तो सबसे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस तो मेरे को था कि मेरे में मतलब मैं कर सकता हूँ अच्छा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ मिस्टेक्स रह गई थी। सबसे बड़ी मिस्टेक्स मेरी ये थी कि मैं सिली मिस्टेक्स बहुत करता था। तो सिली मिस्टेक्स में मेरी मतलब मेरा अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहता था, लेकिन मेरे मिस्टेक्स लगभग 18 क्वेश्चन गलत हो जाते थे, 20 क्वेश्चन गलत हो जाते थे कई कई। अच्छा, नंबर ऑफ मिस्टेक्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो मेरे पिछले बार में 2017 गेट रैंक में लगभग 18 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। अच्छा, रॉन्ग ही हो गए, रॉन्ग चले गए थे मेरे। अच्छा, ओके ओके। इस बार कितने क्वेश्चन आपके लगभग गलत? इस बार 4 क्वेश्चन रॉन्ग। अच्छा, 4 ही क्वेश्चन रॉन्ग। कितना अटेम्प्ट किए थे लगभग आप? सर मेरा लगभग 55-56 के। अच्छा, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो 4-5 ही रॉन्ग हुए ना? 4-5 रॉन्ग हुए सर। इस बार आपका मार्क्स कितना है सर? 76। अच्छा, 76 मार्क्स है ना, ठीक है। तो शिखा से बात करते हैं नेक्स्ट। तो आप बताइए शिखा कि आप जैसे कि कॉलेज के साथ साथ आप कैसे मेंटेन की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, तो कई लोग कॉलेज के साथ साथ इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, या तो कॉलेज वाले में ज़्यादा फोकस हो जाते या प्लेसमेंट वाले में फोकस हो जाते। तो दोनों चीज़ों को कैसे आप मैनेज किए, क्योंकि हम लोग का सेमेस्टर का भी एग्जाम होता है, फिर अगर हम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक मोटिवेशन की नीड होती है। तो दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली आप ऐसे अच्छे से कैसे हैंडल कर पाए? सर सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि क्लास में ध्यान देना है, तो मेरी प्रिपरेशन वहीं से शुरू होती थी। तो उस वजह से मुझे कंसेप्ट्स हमेशा क्लियर रहते थे, और अगर मुझे क्लास में क्लियर नहीं होते थे तो मैं रुक जाती थी क्लास के एंड में, और जब तक मुझे क्लियर नहीं हो जाता था तो मैं बैठ जाती थी। और इन केस मुझे पता है कि अभी क्लियर नहीं होगा, तो मैं फिर आराम से देख के घर जाके देखती थी, और फिर मेरा मतलब गेट का इस तरीके से चल रहा था। क्लासरूम का मेरा इतना ध्यान नहीं था क्लास मतलब कॉलेज की प्रिपरेशन में, लेकिन जो एंड सेम का जब टाइम आता था तो मैं मतलब वही 2 डेज के प्रिपरेशन करती थी, लेकिन उन 2 डेज में मैं अच्छे से पढ़ती थी। तो आई थिंक उतना मेरे लिए तो इनफ होता था, उतना 2 डेज में मैं जितना मार्क्स मैं चाहती थी उतना मैं ले आती थी।
और हाँ जिन लोग शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड सेम की उनसे कम ही आते थे मेरे, बट फिर भी मेरा जो सीपीआई है वो 8 पॉइंट से अबव ही रहता है, तो अच्छा, वो मेंटेन हो जाता, हाँ, वो मेंटेन हो जाता। और जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है तो मेरा शुरू से ही नहीं था कि मुझे प्लेसमेंट में बैठना है, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त उन चीज़ों में, और पैकेज भी कम ही था कंपेयर टू जो कि गेट से मिलता है हमको, okay. तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने प्लेसमेंट में मैं बैठी ही नहीं हूँ। ओके okay. तो जैसे 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 हम जो कॉलेज में रहते हैं तो ऐसा रहता है ना कि हम लोग अगर अपनी क्लास में हमारा परफॉर्मेंस, हर 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 एक कॉलेज स्टूडेंट जो भी रहता है वो चाहता है कि उसका कॉलेज का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, और मेरे को लगता है गर्ल्स लोगों में तो ये चीज़ और भी रहती है कि हमारा रैंक कॉलेज में भी अच्छा आना चाहिए, तो कैसे इतने आराम से मैनेज होता था कि हम अगर और ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर हम यूनिवर्सिटी में कर सकते, उसके बाद भी मैनेज हो जाता था कि ठीक है क्लास में हमारा रैंक 7th 8th है तो भी मैनेज क्यों हो जाता था, ऐसा क्यों लगता था कि ठीक है चलेगा करके गेट के लिए हम लोग थोड़ा फोकस रहते ही है, यूनिवर्सिटी वाली चीज़ों को सब लोग इतने प्रायोरिटी में रखते, तो आप इसको इतने प्रायोरिटी में क्यों नहीं रखते थे? सर क्योंकि बचपन से ही स्कूल टाइम से मेरा ये रहा है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बाकी जो भी हो, तो मुझे यूनिवर्सिटी का भी जब मैं पढ़ती थी तो मुझे पता था कि मैं जानती हूँ, मुझे मतलब जितना जानना है एंड मेरे कंसेप्ट जो भी यूनिवर्सिटी का भी है वो सब क्लियर है। प्रॉब्लम ये है कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है और मेरा उतना मतलब पेपर पे मैं प्रेजेंट उतना अच्छे से प्रॉब्ली नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे यूनिवर्सिटी में मार्क्स कम मिलते हैं, और ये आइडिया है मुझे, तो मैं इसलिए कभी डीमोटिवेट नहीं हुई कि मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं लगा, हाँ नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आता है। और जो लोग जैसे मतलब यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर करते हैं उनकी प्रॉब्ली हैंडराइटिंग अच्छी होती है, और उनको प्रेजेंट कैसे करना है, ज़्यादा काटते नहीं है वो लोग, मे बी ये है उनमें, तो इतना तो मुझे था कि आता तो है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है ठीक है। नीतीश आप बताइए कि जैसे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन मोड रखे, और जैसे मैं जानता हूँ आपको कि जो रिजल्ट है आपका 415 मेरे को पता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल जैसा आप एक्सपेक्ट किए थे वैसा बिल्कुल नहीं आया, कि आपकी प्रिपरेशन मैं जानता हूँ कि अच्छी थी, तो आप जो पूरा प्रिपरेशन जो मोड था और जो आपका रिजल्ट आया तो उसको आप कैसे लेते हो कि इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी उसके बाद भी आपका जो रिएक्शन था रिजल्ट आने के बाद वो कैसा रहा आपका रिएक्शन? सर रिएक्शन अच्छा तो नहीं था क्योंकि मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक है सर आप अपना 100% दे सकते हो, बाकी कुछ लक फैक्टर भी रहता है और उस माहौल में आप कैसे रहते हो, अपने आप को उस 3 घंटे में कैसे यूटिलाइज़ करते हो। मेरी एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं पहले से प्री डिटरमाइंड हो गया था थोड़ा टेस्ट देते देते, क्योंकि पैटर्न 2013-14 से मैं फॉलो देख रहा था कि वही रेंज 65-70 में आपका अच्छा रैंक अंडर 200 आ जाता था, तो मेरा थोड़ा माइंडसेट वैसा हो गया था कि अगर मैं मतलब मिस्टेक्स कम करूं और क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करूँ तो सही हो, हाँ एक थोड़ा माइंडसेट, हाँ माइंडसेट में हो गया था। तो वहाँ टेस्ट सीरीज में भी स्टार्टिंग में क्या किया, मैं ज़्यादा क्वेश्चन बनाता था तो उसके कारण क्या होते थे कि मेरे मार्क्स कम हो जाते थे, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा प्लान चेंज किया, मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 55-56 रखता था तो मेरे कम मिस्टेक्स कम होते थे और 70+ स्कोर आ रहे थे अच्छे खासे, तो मैं गेट के पेपर में भी ऐसा ही कुछ सोचा, तो मतलब लास्ट में और टाइमिंग थी मगर मैं थोड़ा सोच रहा था कि मिस्टेक्स कम हो करके तो वहीं पे आए थे। ये वाला चीज आपके लिए ठीक बिल्कुल नहीं रहा, प्री डिटरमाइंड माइंड के साथ जो आप एग्जाम दिए कि मेरे को इतने ही अटेम्प्ट करना है, जबकि आपको को लगता है कि और भी क्वेश्चन बन सकते थे, मतलब आपका अटेम्प्ट और भी बढ़ सकता था, तो ये वाला चीज आपके लिए हुआ क्योंकि सर मिस्टेक्स भी होंगी, मिस्टेक्स भी हो जाती है, सिली मिस्टेक्स तो थोड़ा बहुत है वही कैलकुलेशन पे। मैं ये बोलूंगा सर कि टेस्ट सीरीज देते टाइम अपने आप को मतलब मिस्टेक्स को एनालिसिस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना चाहिए, अगर 3 घंटे का टेस्ट सीरीज है अगर आप टेस्ट दे रहे हो 3 घंटे का तो एटलीस्ट 2 घंटे तो उसके बाद एनालिसिस में देना ही चाहिए, और वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि जो मिस्टेक्स आपसे हुई फिर से एक बार रिपीटेड ना हो, और जो अगर बार बार हो रही है उसको आप कहीं पर नोट करके रख लो, जैसे एग्जाम्स में अगर 1 महीने बचे हुए हैं तो आप पेजेस बहुत सारे रख लो अपने स्टडी टेबल पे और वो मिस्टेक्स आप लिख लो वहाँ पे जो एकदम बहुत ज्यादा रिपीटेड मिस्टेक्स हैं, तो उससे आई थिंक वर्कआउट किया जा सकता है, उससे वर्कआउट किया जा सकता है। ठीक है, मनीष से बात करते कि आप जैसे इस बार ड्रॉप लेके आप इस बार स्कूल है, आपका रैंक 197 ना? यस सर 197। तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम ड्रॉप जब लेते हैं तो मतलब इतना आसान नहीं होता अपने आप को मोटिवेट कर पाना, क्योंकि हमको बार बार लगता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट भी अगर ठीक ठाक दिए तो हमको बार बार लगे रहता है कि हो सकता है कि सेकेंड टाइम भी चीज़ें रिपीट ना हो, तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हो कि अपने आप को मोटिवेट कैसे किए कि जब मैं एक बार ड्रॉप लेके दूंगा, और अगर सपोज करो ड्रॉप लेने के बाद अगर मेरा स्कोर नहीं आया, क्योंकि ये हमारे माइंड का क्वेश्चन
बहुत ही नॉर्मल है, ऑब्वियस क्वेश्चन है कि हमको ये माइंड में हमेशा आएगा कि ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं हुआ तो कैसे होगा, तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड करते थे, माइंड में ये चीज़ें नहीं आती थी, इसके लिए क्या करते थे? सर ये सब चीज़ मतलब नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में ना आए, इस चीज़ के लिए मैं अपने चारों ओर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही मतलब ज़्यादा देखना चाहता था। लाइक सर आपके जब वीडियोस आते थे तो उनको मैं 4-5 बार देखता था, मतलब जैसे खाना खा रहा हूँ तो आपके वीडियोस देखता था, ऐसा जहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलता था वहाँ से मैं कैच कर लेता था। लाइक जैसे दंगल मूवी हुई, मैं दंगल मूवी को भी काफ़ी बार देखाऊंगा, सुल्तान मूवी, ऐसे मतलब, और जैसे मोटिवेशनल चीज़ें थी उसको आप मतलब कंटिन्यू रूटीन में रखते थे। मेरे म्यूजिक प्लेलिस्ट में भी सारे मोटिवेशनल गाने, अभी भी सारे मोटिवेशनल गाने ही रहते, तो मैं ये सब चीज़ें मतलब एक पॉजिटिव वे में लेकर चल रहा था। और ऐसा था कि अगर मेरा स्कोर मतलब जैसे सेकेंड ड्रॉप ले रहे हैं तो अगर नहीं आया, ये थॉट भी आती थी, तो ऐसा था कि मतलब एक चांस खुद को देकर देखना चाहिए। मेरे को 12th के बाद जब जेई नहीं निकला था तो मेरे को ऐसा लगा था, पर किसी रीज़न की वजह से मैं ड्रॉप नहीं ले सका और चांस नहीं दिया था, तो मेरा ऐसा था कि ये मेरे पास लास्ट चांस था, और ये तो मैं ड्रॉप श्योर था, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन से मैं श्योर था कि मैं एक और बार ट्राई करूंगा, एक बार और ट्राई करूंगा। तो कोई ऐसा तो जब पेपर जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो मेरे को लगता है कि एक ड्रॉपर का माइंड सेटअप और एक जो 8th सेमेस्टर स्टूडेंट होता है दोनों के माइंड सेटअप में डिफरेंस होता है। एक ड्रॉपर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उसको लगता है कि लास्ट अटेम्प्ट, और कई बार तो लोगों को लगता है कि लाइफ का ही लास्ट अटेम्प्ट है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किए, क्योंकि पेपर में जाने के बाद हमको नहीं पता चीजें कैसे होने वाली है, तो मेरे को लगता है कि एक ड्रॉपर के ऊपर ये वाला प्रेशर तो रहता है, तो इसको कैसे हैंडल किया? सर इस चीज़ के लिए मैं पहले से ही जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहा था तो पहले से ही प्रिपरेशन करके चलता था, अगर हार्ड पेपर आ गया तो वो सभी के लिए हार्ड होगा, तो मेरे को उस वे में उसको लेकर चलना है कि मेरे से जितना मैक्सिमम निकल पा रहा है, मींस मैं अपने एग्ज़ाम समय में अपने प्रेशर को कम करने की कोशिश करता था, जिसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड था कि अगर क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं तो वो सभी के लिए हार्ड आ रहे हैं, मेरे को इतना लेकर नहीं चलना है कि हार्ड आ रहा है या मेरे से नहीं बन रहा। अगर शुरू के 5 क्वेश्चन भी नहीं, 8 क्वेश्चन भी नहीं बनते थे तो मैं आगे अच्छे से कंटिन्यू करता था। अच्छा, तो क्वेश्चन बनना नहीं बनना उसको आप उतना वरी नहीं करते थे कि ठीक है क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो चलेगा। ठीक है, चलो दिनेश से बात करते हैं कि आप अपनी जो प्रिपरेशन रही है उस प्रिपरेशन में आपके जैसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या थे, जैसे क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस इतना बड़ा होता है, पूरे ब्रांचेस में सबसे ज़्यादा सिलेबस बड़ा मानते हैं, सभी लोग मानते हैं उसमें, मतलब मशीन है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट है, फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो कॉमन है, तो इन कोर सब्जेक्ट और जो बाकी के जो कॉमन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स से, उन सब सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कैसे किए थे? जनरली आई स्टार्टेड गेट अकेडमी इन 5th सेमेस्टर, ओके, देन After joining Gate Academy, just I had gone every day for classes, and after that I started main preparation in July. In July, last semester. Then after starting my preparation, I started I prepared my timetable, and everything was okay. But after July ending, started placements. Okay. Placements was changed everything, every my timetable. For every placement, I have lasted 7 to 8 days for preparation. I have lasted 7 to 8 days, and after failure in the placement, again I have lasted 4-5 days because I'm thinking about the placement. And after that, December आ गया. Same thing was repeating. 7 placements. I did not place in 7 companies. Okay, and then I had message to Pankaj sir. Sir, I had only just 2 months. Just tell me about what to do just in 2 months. Sir said that if you don't have enough time to solve booklet, and sir said that to solve question papers. Only previous year question papers. Then I started previous year's question papers. Then I completed everything in December 15th. Then I started Gate Academy test series. Okay. Then again, I had completed Gate Academy test series in January 10th. Then January. I bought Ace Academy. Then again, I had solved except mock tests. I had solved last January 25th. Then I had started mock tests. In the beginning of mock tests, I started Gate Academy. And 4-5 tests diya tha, sir. Isme just 35 to 40 marks aaya tha. I had message to Vishal sir. Sir, isi type ka aaya tha, what to do? Sir said that to focus on 2 marks questions. Then I started my preparation. Suppose if I given test series, then I am going to 35 question. Directly 2 mark questions. Directly 2 mark questions. Then I started preparation. Then my marks was increased.
50 to 60. Then again in last 5 tests, I got 65 to 70. Okay. But after final exams, I got 70.67. 70.67. Okay. बात करते हैं अब इनसे, फिर से बात करते हैं फलास से. हाँ, तो अगर मैं बात करूँ आप लोग आपकी प्रिपरेशन जर्नी की, तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट को आप अगर फेवरेट मानते हो तो क्या रीज़न रहा है उन सब्जेक्ट्स के फेवरेट रहने का? सर जैसे कि नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, ये तो सभी के फेवरेट, सभी के फेवरेट होते हैं नॉर्मली. तो सर मेरे को ये भी फेवरेट्स थे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगता था. वो इसलिए अच्छा लगता था सर क्योंकि उसमें हर साल लगभग ना एक नया न्यू क्वेश्चन होते हैं. बिल्कुल. तो सर उसको बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता था. डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते. एग्जैक्टली सर. तो बहुत अच्छा लगता था बनाने में, बहुत ईजी और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं उसमें. तो वो बहुत वो करता था मुझे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा लगता था. एंड सेकेंड था सर मेरा सिग्नल एंड सिस्टम. सिग्नल, ये दो सब्जेक्ट मेरे फेवरेट थे. सिग्नल एंड सिस्टम क्यों फेवरेट था इतना? क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सिग्नल एंड सिस्टम वीक सब्जेक्ट होता है. सर सिग्नल एंड सिस्टम में क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते थे सर. वो है सिग्नल्स जो भी हैं वो बहुत अच्छे लगते थे मुझे बनाने में. तो क्वेश्चंस आते थे ना वो बहुत अच्छे लगते थे मुझे, क्वेश्चंस बनाने में बहुत अच्छा लगता था. तो इसलिए कोई रीजन ऐसा नहीं रहा, वो अच्छा लगता था बनाने में. और नॉर्मली अच्छा मेरा सिग्नल बहुत अच्छा वो था, स्ट्रॉन्ग था. तो सिग्नल सिस्टम शुरू से आपका स्ट्रॉन्ग था? यस सर. से पढ़ना चालू किया था? यस सर. मेरा फर्स्ट बार में भी दिया था सिग्नल सिस्टम, फर्स्ट टाइम में ही स्ट्रॉन्ग था मेरा. फर्स्ट टाइम में सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक रह गए थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो मे भी शायद सेकंड टाइम में इस कारण मेरा फेवरेट हो गया. अच्छा, सेकंड टाइम में उसको पावर टाइम्स को बहुत ज्यादा टाइम दिया? बहुत ज्यादा टाइम दिया सर. यस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं शुरू से फोकस करता था. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन हो गया. मशीन भी थोड़ा वीक चला गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन दोनों पे बहुत फुल फोकस किया था. ज़्यादा टाइम मैंने इन्हीं को अलॉट किया था अपने प्रिपरेशन मोड में. ज़्यादा टाइम इन्हीं को अलॉट किया था, मशीन एंड पावर, इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. अच्छा, ओके. तो आप जो लोग 2019 या 20 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि उन लोग अपनी प्रिपरेशन मोड कैसे रखना चाहिए और अपने आप को एक लंबे समय तक कैसे मोटिवेट करके रखना चाहिए? सर एक तो यही बोलूँगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए, और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ट्राई कीजिए. और क्वेश्चंस में आप ये सोच के ट्राई कीजिए कि आप गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना रहे हैं कि आपको एक विद इन, मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं एक विद इन टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चंस बनना चाहिए. अगर नहीं बन रहा है तो उसका अच्छे से एनालाइज कीजिए. एनालिसिस बहुत अच्छा है, वो इंपॉर्टेंट होता है सर. एंड टेस्ट सीरीज, जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज हो सकते हैं उतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए. एंड जैसे नीतीश ने कहा कि टेस्ट सीरीज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर इस बार मैंने एनालिसिस पे बहुत फोकस किया था. अच्छा, टेस्ट पेपर देने के बाद आराम से फिर आप एनालिसिस करते थे बैठ के कि क्या क्वेश्चन बने क्या नहीं बने, कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे एक्चुअली. तो मैंने अलग से एक कॉपी भी बनाई हुई थी कि टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक्स हो रही हैं या फिर जो क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन लग रहे हैं तो उनके जो कॉन्सेप्ट अलग से मैं लिखता था. तो टेस्ट सीरीज तो बोलूंगा सर कि टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देना चाहिए. और यही है सर, एनालिसिस अच्छे से कीजिए टेस्ट सीरीज का, जितना ज़्यादा एनालिसिस हो सकता है उतना ज़्यादा एनालिसिस कीजिए. एंड ये एक वो करके चलिए कि इतने दिन तक हमको टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज जो भी टेस्ट सीरीज है दे देना है. अगर वो उतने दिन तक कंप्लीट नहीं हुआ तो भी आप जो फुल टेस्ट है वो स्टार्ट कर दीजिए. लाइक मैंने एक अपना वो बना लिया था प्रिपरेशन, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे थे आप. तो मैं गेट एग्जाम के 50 डेज के पहले मॉक टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट देना चालू कर दिया था. ऑल्दो मेरे सब्जेक्ट टेस्ट उतने जैसा मैंने सोचा था पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, फिर भी मैंने 50 डेज पहले फुल लेंथ टेस्ट देना चालू कर दिया था. ओके. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और वो बोल रहे थे कि मतलब बोलते थे कि मैं अभी तक मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि फुल लेंथ टेस्ट दूँ ऐसा करके. तो उन्होंने लगभग 20 डेज पहले, कुछ उन्होंने 15 डेज पहले चालू किया था. तो मेरे को लगता है कि प्रिपरेशन थोड़े से और जल्दी स्टार्ट होना चाहिए टेस्ट वाइज. यस सर, है ना, क्योंकि उसको आप लेट करोगे तो एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे. यस सर, एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे. कुछ लोग डरते थे कि टेस्ट देंगे तो ऐसा मार्क्स कम आएगा तो फिर टेस्ट ही देना नहीं चाहते. वो तो हम लोग भी देते थे तो हमारा भी स्टार्टिंग में 30-32 नहीं. एक्चुअली क्या है कि पूरे स्टूडेंट लोग ये सोचते हैं कि जितने लोग भी टॉपर है या जितने लोग भी अच्छा परफॉर्म किए वो लोग टेस्ट में भी अच्छे परफॉर्मर रहे होंगे. तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि जितने लोग भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके भी टेस्ट में कई बार मार्क्स नहीं आए, कई बार उन लोगों के मार्क्स बहुत ही कम रहे, एवरेज मार्क्स से भी कम रहे. तो ये एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि सभी लोग के मार्क्स इतने जल्दी नहीं आते, कई लोगों को बहुत बार टाइम भी लगता है. जी जी सर. जैसे मैंने भी टेस्ट देता था तो कभी कभी 1000 के बियॉन्ग रेंज चला गया था. अच्छा, उतना भी आता था 1000 के बियॉन्ग. यस सर, 32-34 मार्क्स ऐसे आते थे.
बट नॉर्मली अच्छा ही रहता था, ज़्यादातर टाइम अच्छे रैंक आ जाते थे। तो वही सर, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और सेकेंड अटेम्प्ट मैंने टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छा वो किया था। तो आपने कंसेप्ट को बहुत इम्प्रूव किया अपना। ठीक है, शिखा से बात करते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से रहे गेट अकेडमी में आप इतने पढ़ी हो, क्योंकि आपके कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट तो मैडम लेती है, फिर कुछ सब्जेक्ट मैं लेता हूँ, इतने सारे लोग पढ़ाते हैं, तो आप कोर सब्जेक्ट और जो बाकी के सब्जेक्ट थे उसके बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करती हो, कि आप कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दी, कि जो आपके कोर सब्जेक्ट दैट मीन्स मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दी, कि नॉर्मल जो हम लोग के जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन सब्जेक्ट थे उनको आप ज़्यादा टाइम दी? सर मैंने ऐसा ज़्यादा टाइम कम टाइम तो ऐसे डिवाइड नहीं किया था। मेरा ये था कि मतलब अप्रोच मेरा ऐसा था कि मुझसे क्वेश्चंस बनने चाहिए और समझ में आ जाता था। और प्रॉब्लम मेरे को एंड में मैंने जो फेस की थी वो यही थी कि मैं जब जाती थी मतलब कोई क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ ऐसा हो गया, तो यही सब था। तो जब शुरू किया था मैंने तो मैंने मैथ्स पार्ट में ज़्यादा कंसंट्रेट किया था कि मुझसे जो अरिथमेटिक जो सम प्रोडक्ट वगैरह ये सब गलत नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन समझ आके ये गलत हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आपका स्टडी से मैथ्स तो अच्छा ही रहा होगा मेरे को लगता है। तो मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट हमेशा से था तो मैंने वही लॉजिक डेवलप करने में ही फोकस किया कि जैसे कोई भी पावर सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चन थे जो पार्ट मैंने पढ़ा नहीं था बट वो मुझसे बन गया था क्योंकि उसमें सिर्फ लॉजिक ही लगाना था और मतलब कई क्वेश्चन ऐसा मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने कम टाइम ज़्यादा टाइम नहीं देखा, मैंने देखा जिस जगह के क्वेश्चंस मुझसे बन रहे तो मैंने सोचा कि उसको और ज़्यादा मैं और बेटर करूँ और जो मुझसे नहीं बन रहे फिर मैंने उनमें वर्क किया। जैसे मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ही बेन लगता था, एकदम मुझसे नहीं बनता था वो, तो इस वजह से मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरू तक ही वर्क कर पाई थी, चॉपर तक किया था, फिर आगे तो आपका मतलब वीक सब्जेक्ट एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वीक था। और उसके अलावा और कोई ऐसे वीक नहीं कहूँगी मैं, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम लेवल के थे। और एकदम जो स्ट्रांग थे वो जो जिनमें प्योर मैथ्स, जैसे मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड, सिग्नल्स, कंट्रोल और नेटवर्क, ये सारे मेरे काफ़ी स्ट्रांग थे। अच्छा, काफ़ी स्ट्रांग, तो इनके मेरे से गलत नहीं हुए। और जब इन्होंने जैसे कहा कि इन लोगों ने शुरू से टेस्ट सीरीज देने शुरू कर दिए थे तो मेरा शुरू हुआ था जब मैंने CBT वगैरह दिया था, उसमें भी मेरे बहुत ही बेकार मार्क्स आए थे। तो आपके टेस्ट वगैरह में मार्क्स अच्छे नहीं रहे? बहुत बुरे आए थे। फर्स्ट में तो सिर्फ मेरे 32 मार्क्स आए थे और सेकंड में भी ऐसे ही, मतलब ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ था मेरा। तो फिर मैं वही फोकस मैंने इसमें किया कि ये सब छोड़ो, इसका कोई इतना मतलब नहीं है, क्योंकि एंड एग्ज़ाम ही मैटर करेगा मेरा। तो इसलिए मैंने फिर टेस्ट सीरीज से खुद को डीमोटिवेट होने नहीं दिया, मैंने वर्कआउट किया अपना, जो भी मेरा गलत हुआ है तो वो दोबारा गलत ना हो, फिर से रिपीटेड ना हो। शुरू से यही था कि मिस्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए, बाकी जो होगा देख लेंगे। अच्छा, ओके ओके। नितिश से बात करते हैं कि जैसे तुम NIT हॉस्टल में रहे हो ना? यस सर, अभी भी NIT, अभी लास्ट ईयर है तो अभी NIT हॉस्टल में रह रहे हो, तो फिर जैसे हॉस्टल वगैरह में इतना पढ़ने का माहौल रहता होगा नहीं रहता होगा इसका मेरे को आइडिया नहीं है, फिर मेरे को लगता है कि फिर भी उस वे में नहीं रहता होगा। देखो हॉस्टल में रह के पढ़ना, उसके बाद मॉर्निंग में क्लासेस होना, क्योंकि मॉर्निंग में 6:15 से आपकी क्लासेस होती होगी, तो एक माहौल रहता है NIT एक स्टूडेंट का रहता है कि मॉर्निंग उठ के जाना है। एक NIT स्टूडेंट का ये भी रहता है कई बार कि ठीक है देख लेंगे, किसी के नोट्स पढ़ लेंगे, लेकिन मेरे को पता है कि आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हो, तो ये कैसे आपने आपको मोटिवेट करते थे कि नहीं क्लास मेरे को रेगुलर रहना है, जबकि NIT में हम पढ़े हैं तो हम लोगों के माइंडसेट में एक बात ये भी है कि हम ठीक है थोड़ा बहुत मैनेज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक NIT के स्टूडेंट के माइंड में रहता है, तो हम इतना मोटिवेट कैसे रख पाए कि हम हमेशा रेगुलर रहे, हम क्लासेस हमेशा अटेंड किए चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए कुछ एक माइंड सेटअप बना के रखे थे क्या? हाँ सर, माइंड सेटअप तो रहता है वो। एक्चुअली मैं बेसिकली 5th सेम में ज्वाइन किया था, तो मैं देखता था कि 4th सेमेस्टर में काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके थे, तो वहाँ उस टाइम मेरे को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं बस लोगों को देखता था कि उन लोग मतलब सीरियसली पढ़ते थे, क्लासेस में भी पढ़ते थे, जैसे क्लास के बीच में जो टाइम मिल जाता था उसमें भी बुकलेट बनाते रहते थे, तो मैं उस टाइम सोच लिया था, मैं माइंडसेट में आ गया था कि करना है मेरे को, लेकिन वही उन लोग को देखता था तो वहाँ से मेरे को पहले स्टार्टिंग में मोटिवेशन वहीं से मिली कि उन लोग इतना टाइम देते थे। हाँ, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं स्टार्ट भी नहीं किया हूँ और इन लोग अभी से इतना ज़्यादा स्टार्ट कर दिए हैं, तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन स्टार्ट हुआ। फिर डिस्ट्रैक्शन तो रहता ही हॉस्टल में, NIT के हॉस्टल में डिस्ट्रैक्शन रहेगा, तो उसको आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि आप एक अपना ग्रुप ऐसा रखिए कि सारे पढ़ने वाले ही रहे, क्योंकि अगर आप उस फील्ड में जाएंगे मतलब ग्रुप अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप चाह के भी मतलब कितना कंट्रोल कर पाएंगे, फिर लास्ट में प्रॉब्लम होगी।
तो मैं वैसा ही करता था, मैं मतलब मेरे जो दो रूम में थे मैं पूरे इलेक्ट्रिकल वालों को ही रख लिया, तीन लोग रहते हैं तो मैं इलेक्ट्रिकल वालों को ही रख लिया था मेरे साथ, और हम लोग बेसिकली मतलब सारे गेट ग्रुप बना के पढ़ते थे, तो हम लोग का रूम भी वैसा ही रहता था, गेट एकेडमी वाले स्टूडेंट थे पूरे यही पे आते होंगे। हाँ, हम लोग पूरे गेट एकेडमी वाले ही थे, तो हम लोग का रूम, हम लोग के साइड वाला रूम सारा, मतलब हम लोग ऐसे ही रूम लेते टाइम ही हम लोग सोच लिए थे कि आसपास वाले ही लेंगे कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, पूरा एक विंग अपना मतलब बेसिकली रहेगा। तो हम लोग सुबह भी उठते टाइम ऐसे ही करते थे कि कोई एक अगर उठ जाता था तो बाकी लोग को उठा बाकी को उठा देता था, क्योंकि तो सारे हॉस्टल में सब पढ़ने का माहौल रहता था एकदम। हाँ, पढ़ने का माहौल वो लास्ट क्लास में ज्यादा हुआ, लास्ट सिक्स मंथ में ज्यादा हुआ कि स्टार्टिंग से था? नहीं, वो बेसिकली लास्ट सिक्स मंथ में तो थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन फोकस तो मैं स्टार्टिंग से था कि करना है। अच्छा, ये आप तो फोकस है स्टार्टिंग से, क्लासेस मिस नहीं करता था बिल्कुल भी। बाकी अगर वो ही है मतलब आपका मतलब माहौल कैसा है, अगर आप उस फील्ड उस वे में चले गए, माहौल अगर सही नहीं रहा फिर तो डिस्ट्रैक्शन कन्फर्म है। और प्लेसमेंट में भी अपने आप को रोक के रखना रहता है ज्यादा, क्योंकि बहुत लोग प्लेसमेंट के बाद छोड़े हैं, जैसे कि फोर्थ सेमेस्टर में तो बहुत लोग ज्वाइन किए थे लेकिन अभी लास्ट में आते आते छोड़ देते हैं लोग, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत सारी चीजें लास्ट तक लोग मेंटेन नहीं करते एक्चुअली। वही बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि मेंटेन नहीं करते, वो वही आपको मतलब अपना माइंडसेट खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि बाकी लोगों पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। जब तक आप खुद अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ नहीं रखेंगे कि करना ही है, तब तक थोड़ा तब मुश्किल तक रहता आसान है। नहीं होगा। हाँ। तो आप लोगों को, आप स्टूडेंट लोगों को जो 2019 और 20 के जो गेट एस्पिरेंट हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कुछ ऐसा कोई मैसेज जो आप? हाँ, वो तो है, क्या होता है लोग जैसे कोचिंग आते हैं तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है स्टार्टिंग में, कि लोग बुक को भी फॉलो करना चाहते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं ये बुक करो ये बुक करो। मैं बेसिकली उनको यही बोलूँगा कि मैं जो फॉलो किया मैं पूरा कोचिंग के नोट्स पे रिलाई करता था और बुकलेट पे रिलाई करता था, उसको बार बार प्रैक्टिस करता था, एक बार पूरा प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता था और उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स से करता था। तो शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाता था कि जब मैं उसके थ्रू जाता था तो मेरे को पूरा कॉपी का मीन्स आइडिया हो जाता था कि हाँ हाँ यहाँ पर ये है, ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। तो मैं वही बोलूँगा कि क्वेश्चन वहीं से रहते हैं, आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। और बुक में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि मशीन में अगर थ्योरी में आप चले गए तो आप फिर थ्योरी पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं और उसका गेन आपको गेट के एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पर्पस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके लिए आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करिए, मतलब कॉपी के थ्रू जा सकते हैं आप, नोट्स के थ्रू कम्प्लीटली जा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, उसके बाद आप जितना क्वेश्चन बना सकते हैं उतना बेनिफिशियल बनाना चाहिए। ठीक है नीतीश। शिखा, आप बताइए कि आप स्टूडेंट लोगों को जितने भी 2019 और 20 के जो गेट एस्पिरेंट है, आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहती हो जो लोग 8 सेमेस्टर में रहते हैं, तो उन लोगों को कैसे अपना कॉलेज और दोनों चीज़ों को मतलब साइमल्टेनियसली मैनेज करते आना चाहिए? तो ऐसे लोग जो लोग अभी लास्ट ईयर में होंगे, जो लोग अभी गेट का एग्जाम देने वाले होंगे तो स्पेशली 2019 में, तो उनके लिए कोई मैसेज? उनके पास अभी भी काफ़ी वक्त है, अगर शुरू नहीं भी किया है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा किया है और मैंने भी इनफैक्ट लास्ट में आके ही स्पीड पकड़ी थी। शुरू में मैं बहुत ही कैजुअल थी, तो सिक्स सेम से जो अभी हैं और उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, आप कीजिए, अभी कर सकते हैं, मतलब इजी तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन उनके पास टाइम अभी है, सफिशिएंट टाइम है, तो आपको उस हिसाब से अपना टाइम टेबल वगैरह सेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया कि दिन में मुझे 4 आवर्स पढ़ना है गेट का, तो फिर 4 आवर्स पढ़ना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर इतना आपके में रेजिलियंस रहेगी कि आप करना है तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर वही सोचते रह जाएंगे प्रोक्रास्टिनेशन से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप यही सोचते हैं अरे क्या होगा, इतना कम टाइम है, होगा नहीं होगा, तो उससे नहीं होगा फिर। तो यूनिवर्सिटी में स्कोर का तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, नहीं होता। तो आप 8 सेमेस्टर वालों को आप बताइए कुछ कि उन लोग अगर अपने कॉलेज वाली चीज़ में उतना ज़्यादा भी फोकस ना करें तो कंसरेबल होगा। तो 6M का अगर मतलब अभी एग्ज़ाम में इतना फोकस कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा लास्ट में ही मतलब 1 वीक पहले स्टार्ट कर लीजिए अगर प्रिपरेशन में इतना ही है तो, और उससे जल्दी उसके पहले तक तो गेट पर ही फोकस करना ज़रूरी है। और एक और चीज़ है कि कंटिन्यूटी मेंटेन जैसे करने को कहते हैं सब, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि वो मुझसे नहीं हो पाई थी और मैंने उसका एब्सेंस मुझे लगा कि अगर मैं कंटिन्यूड रहती तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस हो जाता अगर पूरे टाइम को अगर आप यूटिलाइज करती। हाँ, तो और भी अच्छा हो सकता था। तो वही कंटिन्यूटी मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो आप क्या कीजिए कि भले ही 2 आवर्स निकाल लीजिए और उसमें जैसे बुकलेट हो गई जिसका आप पहले पढ़ चुके हैं, या कोई भी जैसे मैथ्स और एप्टीट्यूड इजी सब्जेक्ट्स हैं, एप्टीट्यूड कर सकते हैं क्योंकि उसका बाद में लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। बिल्कुल। तो उस वक्त कर लीजिए जब आपके पास टाइम है। और बाकी जो जैसे समझने वाले सब्जेक्ट्स हैं, कोर हो गए आपके और
कंट्रोल सिग्नल्स, ये सब थोड़ा वेट कर लीजिए और इसको फिर एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत स्टार्ट कर देना। प्रैक्टिकल वगैरह के लिए वेट मत करते रहना कि ये सब होगा तब शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, मनीष से बात करते हैं। जैसे कि आप ड्रॉप भी लियो वन ईयर, उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्म भी किए हो, तो आप स्पेशली ड्रॉपर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस साल ड्रॉप लेके अभी फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट भी किए होंगे? पूरे इंडिया में इतने सारे लोग होंगे जो इस बार ड्रॉप लिए होंगे कहीं ना कहीं, या ड्रॉप लेने वाले होंगे और एक अटेम्प्ट दिए होंगे। कुछ लोग होंगे जिनका 10,000 रैंक आया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं आया होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लोग होंगे जो ड्रॉप ले रहे होंगे, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपका एक माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए कि आप अच्छा परफॉर्म कर सको? सर, जो अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं उनके पास पूरा एक साल है प्रिपेयर करने के लिए, तो लोग अपने टाइम को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। मतलब प्रिपेयर तो काफ़ी लोग करेंगे, पर जो प्लान करेगा उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। और इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप आगे के लिए सोच रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स आगे के लिए सोच रहे हैं, एक साल के लिए सोच रहे हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से प्लान करके सोचें कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो मेरे को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। जैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले मैथ्स पढ़ना है कि एफटी से स्टार्ट करना है या कोर से स्टार्ट करना है, वो सब हर के लिए डिफर करेगा, पर खुद की प्लानिंग रहनी चाहिए कि मैं कब से टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करूँगा और कैसे अटेम्प्ट करूँगा टेस्ट सीरीज़। तो अभी मेरे प्रिपरेशन में एक प्लानिंग भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया। आप एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हो ना? यस सर, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी होना चाहिए। यस सर, क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं उनको, वो तो 6 मंथ्स में भी जाके बैठते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर ले आते हैं, पर बहुत मेजोरिटी के पीपल हैं जिनका नॉर्मल कॉन्सेप्ट रहता है, तो उनको प्लानिंग के साथ भी अच्छा करना पड़ेगा सर। अच्छा, तो उनको वैसा भी करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, दिनेश से बात करते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कि दोनों कैसे मैनेज करें, कॉलेज को और एक अगर हम अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों को कैसे मैनेज करना चाहिए? हाउ टू मैनेज बोथ साइमल्टेनियसली? जनरली फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इतना मेहनत नहीं करना है सर। जस्ट फॉर वन वीक बिफोर एग्जाम्स इट वी विल गेट गुड मार्क्स। And again, generally everyone will do, first they will read one subject and again they will prepare notes, short notes. But if you read more than 1-2 times, then after reading 2-3 times notes, then after preparing short notes, it will be more beneficial. Okay. When compared to reading once notes. And again, generally in last year students, they will more focus on placements. Generally, the placements will depend upon our luck, sir. Generally, they does not get any work. Itna mehnat nahi karna hai. Just if you are luck on that day, you will get placement. But gate it was not like that. You have to prepare well and you have to clear your concepts regularly and you have to maintain your focus. Generally, roommates also, you have to focus more on roommates because they will also... sometimes they will come, go to movie. Yes. Sometimes they will go to dinner. They will like that. But we have to fix our mindset. But they will. Someone will think more about the placements. I am not getting the placement, so I am also not getting gate score. Not like that, sir. Because after my gate result ayata, then I had placed in HMEL. Achha, okay, good. That's everything will depend upon our luck, sir. Generally placements, but the gate was not like that, and mainly. Everyone will think that the core subjects like machines and PSA and power electronics, they will think that it was difficult in order to, then they will shift to go, they will shift to another subjects like digital electronics. But these three subjects are, if you revise more and more, then these become more easy when compared to other subjects. We can get score easily 30 marks, 25 to 30 marks if you do three subjects, and also control system we can easily score maximum marks, and digital electronics, the main problem with that of analog electronics. Okay. Actually that subject is tough for electrical students. Bahut sare subject, because I did not went for that analog electronics. I started preparing analog electronics by taking some other notes. I did not understand actually, so I left that analog electronics. So I am saying that just prepare yourself notes and keep prepare yourself daily going to college,
सर गेट क्लासेस ठीक है ओके। तो अभी आप देख ही रहे थे कि सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, सब टॉप रैंकर्स थे और मैं सभी लोगों से इसलिए आप चाहता था कि आप लोग उनकी बात सुने, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट इतना अच्छा कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ लोग टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, कई बार उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते, लेकिन एट द एंड उनके बहुत अच्छा स्कोर आता है। इसका मतलब ये है कि कई बार आपके मार्क्स कम आएंगे, आप डीमोटिवेट, आपको मार्क्स के कारण होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों की पूरी बात सुनने के बाद मैं भी फील कर रहा था और आप भी सुने होंगे कि आपको लास्ट तक मेंटेन करना है, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्लासेस आपको अटेंड करना है इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी कोचिंग में हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने पे बिलीव करना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को लगता है कि आप लोग इनकी सब बातों को बहुत सीरियसली सुने होंगे। अभी लाइट का प्रॉब्लम हो गया, इवनिंग हो गई थी तो लाइट का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मेरे को शिफ्ट करना पड़ा, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ा, तो इस साइड में आ गया, तो जस्ट लाइट आप देख रहे हैं कि लाइट कम हो गई है। तो ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों को तो मैं क्लासरूम में भी इंट्रैक्शन करवाया हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है, ये जो चीज़ मैं लोगों से आपको मिलवा रहा हूँ, लोगों की बात सुनवा रहा हूँ, तो जस्ट इसलिए कि आपको ये ना लगे कि जितने लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं। क्योंकि मैं जितने लोगों को पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भिलाई में पढ़ाता हूँ, रायपुर में क्लासेस लेता हूँ, इस साल तो भोपाल और इंदौर में भी चालू हो गया, लेकिन इस साल जो मैं अभी तक 2018 तक जितने लोगों को मैं पढ़ाया हूँ भिलाई और रायपुर में, तो यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट रहते हैं, उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ गुड परफॉर्म करते, कुछ एवरेज परफॉर्म करते, और कभी कभी कुछ लोग परफॉर्म भी नहीं कर पाते। तो डिपेंड्स ना, तो ऐसा नहीं है कि आप में से पढ़ रहे हो तो अच्छा परफॉर्म करोगे, या आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो अच्छा परफॉर्म करोगे। कोई कुछ भी कर सकता है, कोई सेल्फ स्टडी करके भी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मनीष बोल रहा था कि आपका प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप उस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को आप अच्छा रखते हो तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करते वो लोग भी अच्छा कर सकते। तो इस बार मेरे को लगता है कि आप अगर अच्छी प्लानिंग के साथ अगर जा रहे हो और आपके पास टाइम भी है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। चाहे आप 8th सेमेस्टर स्टूडेंट है, जैसे शिखा से हम बात कर रहे थे, दिनेश से बात कर रहे थे, कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इवन आप देखें कि पलास से मैं बात कर रहा था और ड्रॉप लिया, 99 रैंक उसका आया है, तो कितने जेन्युइन तरीके से लोग आंसर दे रहे थे, कितने अच्छे से लोग अपने टॉपिक को रेडी रखे हुए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इंट्रैक्शन है इसका आप एडवांटेज ले। जैसे कि आप इन लोगों की बात सुन रहे होंगे तो ये लोग भी पहले से वीडियोज़ देख रहे थे, जब इनको लगता था तो ये लोग वीडियोज़ देखते थे जो लोग भी टॉपर रहते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जब इन लोगों की वीडियो देखो तो आप मोटिवेट होते रहो, इन लोगों से कुछ आपको जानने का मौका मिले, क्योंकि सब लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है, सब लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है। तो कई बार हम कुछ लोगों की हमको बात एकदम से क्लिक कर जाती है या हमारे माइंड सेटअप में लंबे समय तक रह जाती है, तो डिपेंड करता है, कई बार हम चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है कि आप लोग इन्जॉय किए होंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए सबके लिए फर्स्ट टाइम था। ऐसा नहीं है कि ये लोग कैमरे को हमेशा फेस करते, ठीक है, तो जब आप कैमरे को फर्स्ट टाइम फेस करते हो तो कई बार इतना अच्छा नहीं हो पाता है, अपनी बातों को उतने अच्छे से रख नहीं पाते, बट फिर भी मेरे को लगता है कि ये लोग अपना बेस्ट जितना हो सकता था उतने अच्छे से आपकी बातों को रख पाए, और मेरे को लगता है कि आपको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा इन लोगों की बातों से, तो आपका जो प्रिपरेशन होगा 2019 और 20 का उसमें हेल्प मिल सके। तो मेरा यही सोचना है कि आपको जिस वे में भी हेल्प मिल सके, चाहे मोटिवेशन का वे हो, चाहे वो वीडियोस हो, कंटेंट वाइज हो, हर रिस्पेक्ट में आपको एडवांटेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, देखते हैं कि आप इसको कैसे लेते हैं करके। ठीक है, तो बाकी वीडियोस में मैं मिलता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।